एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में. ओके, तो लिफ्टिंग मतलब क्या होता है, उठना, और वेल मतलब पर्दा, पर्दे का उठना क्या है, लिफ्टिंग मतलब पर्दे का उठना. अब दोनों के बीच में पर्दा तो लग रखा है, वो पर्दा कब उठेगा, कब उस पर्दे को खींचेगा, तो इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, कंपनी, जैसे कि आपको पता है कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, उसको काम करना होता है, बट वो अलग होता है उसके मेंबर से. तो हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं इट्स अ टाइप ऑफ रोबोट. रोबोट है, जैसे आपको पता है रोबोट होता है जिसको कोई कंट्रोल करता है, और रोबोट वो काम जो कंट्रोल कर रहा था, जो काम देता है वही काम करता है. तो इसमें मैंने लिख रखा है, तो इस रोबोट का जो ऑनर है, ऑनर द्वारा कंट्रोल किया जाता है उस रोबोट को, तो ये लिख रखा है मैंने फर्स्ट पॉइंट पे. देन सेकंड में लिखा है रोबोट से ऑनर चोरी करवाता है. अब जो रोबोट है, ऑनर जो है उसका, वो सोचता है कि मैं इससे चोरी करवाता हूँ, तो और उस रोबोट से जो है चोरी करवाता है. अब पुलिस आता है वहां पे, कि जहाँ पे चोरी हुआ वहां पे पुलिस आता है, तो पुलिस देखता है हम किसको पकड़े, तो उसे पता चलता है कि रोबोट ने चोरी किया है. अब पुलिस जाके रोबोट को तो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि रोबोट तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकता, उसको किसी के द्वारा करवाया गया है. तो जो पुलिस है वो किसको पकड़ेगा, ऑनर को पकड़ेगा. कि ऑनर को क्यों पकड़ेगा, कि सारा जो है कंट्रोल जो किसके पास है, ऑनर के पास है, तो कुछ गड़बड़ हुआ तो ऑनर को पकड़ेगा. तो समझ गया आप इस एग्जाम्पल से कि क्या कहना चाहता है. अब कॉर्पोरेट वेल में क्या होता है, पर्दे को कब उठाया जाता है. तो अब हम ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, अब इसी को हम जो है मेन टॉपिक में समझते हैं क्या लिखा है. कि लिखा है कि जब तक काम जो है ऑनेस्टी से चलेगा, ओके, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय जो वहां पे काम कर रहे हैं ऑनेस्टली से वहां पे काम कर रहे हैं, तब तक वह कंपनी ने किया, तब तक हम क्या मानेंगे, वो काम जो है कंपनी ने किया. और जैसे ही, और क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, और कोई भी वहां पे फ्रॉड होता है, डिसऑनेस्टी होता है, थेफ्ट होता है, ये सब होने पे, फ्रॉड डिसऑनेस्टी थेफ्ट होने पे, जो शेयर होल्डर जो है किसको पकड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा. क्योंकि क्योंकि जो कंपनी वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या कर सकता है, वो थोड़ी चोरी फ्रॉड करेगा, वो थोड़ी चोरी करेगा, उसके अंदर जो बैठे हैं वो कर रहे होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय वो सब कर रहे होंगे. तो जो चोर को पकड़ना है तो किसको पकड़ेंगे, जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है. अब कंपनी को तो नहीं पकड़ लेंगे कि ये चोर है, ओके, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है. तो इस केस में जो जो बीच का पर्दा है कि कंपनी अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी कर रहे हो, तो पुलिस आके कंपनी को पकड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता. उस केस में जो उस पर्दे को, जो हमने कॉर्पोरेट वेल में पढ़ा था कि उन दोनों के बीच जो पर्दा होता है, उस केस में उस पर्दे को उठा दिया जाता है और सीधा जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पकड़ लिया जाता है. तो यही लिखा है, तो यही बताएगा, बिकॉज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स नॉन लिविंग थिंग, जो कुछ कर ही नहीं सकता. ओके, एट दैट केस हम भूल जाएंगे, जो मैंने बताया हम भूल जाएंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने बताया था पिछले वाले केस में, कि कंपनी अलग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इनके अपने रूल्स होते हैं, इनके अपने रूल्स होते हैं. बट कोई चोरी होता है, फ्रॉड होता है, तो इस केस में जो इनके बीच का जो पर्दा है, उस पर्दे को जो उठा के फेंक देते हैं और सीधा जाके ऑनर को पकड़ लेता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पकड़ा जाएगा. तो ये लिखा है कौन रिलायबल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो वही होता है हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और कॉर्पोरेट वेल में डिफरेंस. समझ गए होंगे आप कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस, इनके बीच में पर्दा होता है, यहाँ पे बताया कि इनके राइट अलग होते हैं, इनके अलग राइट होते हैं. हम कंपनी की गलती के लिए इनको दोष नहीं दे सकते, बट अगर ये चोरी करेंगे, ओके, अगर ये चोरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो कंपनी को थोड़ी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो इन्हीं के द्वारा किया गया और नाम कंपनी का आ रहा है. तो जो पुलिस हो जाकर इनको पकड़े, इनको पकड़ेगा, वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है जो सेकंड पेज पे है. तो इस केस में जो है वेल का जो पर्दा है इनको उठा दिया जाता है और इनको पकड़ लिया जाता है. ओके, तो इस वीडियो में तो हमने समझ लिया. अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, क्योंकि इसके जो है हम पार्ट पढ़ेंगे आगे कि क्यों, क्या क्या रीजन है उस पर्दे को उठाने के, चार पांच केस है उसके, उसको पढ़ेंगे. ये तो सबसे ज्यादा मेन है, अगर इन दोनों में डिफरेंस ना भी आए तो इसका पूछ लेते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या और उनके केस बताओ. ओके, नेक्स्ट वीडियो भी देखना जरूर, तो उसमें हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.